ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम कॉन्सेंट्रेशन पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने करियर पर फोकस करने के लिए और या फिर सामान्य जीवन में व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेशन कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश हैं हनुमानगढ़ से, जो कि अपने भाई कुलदीप के बारे में जानना चाहते हैं। प्रकाश, कुलदीप के जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी प्रकाश जी, कुलदीप के जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जन्म तारीख सर उसकी 4/6/1990। ठीक है, सवाल पूछे, सवाल पूछे कब। मैम उसकी तारीख है 6/4/1990 जी। प्रकाश जी अपना सवाल कीजिए। मैम उसको मैं शादी और नौकरी के बारे में पूछ रहा था। नौकरी तो वो करता होगा, काम तो करता है। हाँ जी, वो तैयारी कर रहा है मैम। हाँ, तैयारी में भी पास हो जाएगा और शादी उसकी 2 बरस बाद है, 2018 में जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार देखा गया है कि कंसंट्रेशन को पाने के लिए लोग मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मौन व्रत भी रखा जाता है बहुत बार, तो मौन कितना जरूरी है कंसंट्रेशन को पाने के लिए। देखिए, मौन तो बहुत ही सुंदर चीज है जी। जब एक शख्स अंदर से मौन होता है तो उसकी विचार प्रक्रिया की क्षमता जो है ना, मैंने सोचो 1000 times बढ़ जाती है जी। तो वो अच्छे से सोच पाता है जी। और वो अपने अपने आसपास और यहाँ तक कि इस सृष्टि और उसके ऊपर की गैलेक्सी और कई गैलेक्सियों तक सोच सकता है ना। कहा जाता है कि विचार प्रक्रिया जो होती है वो पर पॉजिटिव मौन होके, शब्द मौन होने से उसकी एनर्जी सारी प्रिजर्व हो जाती है, किसमें, विचारों को सोचने में। तो अपने आप ही एकाग्र होगा अगर स्टूडेंट मौन हुआ तो। और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं बरसों तक मौन रही हूँ, 9-9 दिन। तो मौन बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको एक्सपीरियंस लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन मौन हो, एक कोई बना लीजिए कि हमने 10 से लेकर के 12 बजे तक चुप रहना है। तो उस समय चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग, उससे आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, आपको बोलना नहीं है। तो धीरे धीरे वो फिर आपकी प्रैक्टिस से बढ़ता जाता है जी। निर्मला जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, पुष्पा जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने पुत्र मनीष के लिए जानना चाहती हैं। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मनीष की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 26/3/2002। ठीक है, सवाल पूछे। इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था। पढ़ लेगा टेक्निकली, अभी तो कम पढ़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या पढ़ लेगा टेक्निकली, और 24 साल में उसका करियर भी सेट हो जाएगा। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विनय प्रकाश जी हैं अलवर से, जो कि अपनी पुत्री स्वाति के लिए जानना चाहते हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। स्वाति की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। उसका जन्म समय है 3/4/1989 जी। समय है 6:50 AM जी। और जन्म है हापुड़ UP जी। सवाल पूछो जी। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह योग कब बन रहा है, काफी प्रयासरत हूँ। तो बस लड़का तो हमको लगता है अक्टूबर नवंबर तक मिल जाएगा, और फिर अगली गर्मियों में मार्च के बाद उसकी शादी हो जाएगी जी। निर्मला जी, अक्सर कहा जाता है और रिसर्च कहती है कि एक व्यक्ति के एक दिन में 8000 थॉट्स दिमाग में ट्रैवल करते हैं। सही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स पर कॉन्सेंट्रेशन से काबू किया जा सकता है क्या? उन थॉट को तो काबू नहीं किया जा सकता जी, पर पॉजिटिव सोच करके अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। थॉट पे तो किसी का बस नहीं होता जी, पर वेग थॉट पे नहीं जाएं और आप अपने गोल की तरफ फोकस हो, ऐसे थॉट्स बढ़े, उसके लिए आप खुद को ध्यान से केंद्रीभूत कर सकते हैं, मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अपने आसपास, तो उन सोच उस थॉट्स को अपने काम में ले सकते हैं जी। निर्मला जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, छाया है गंगानगर से, जो कि अपने पुत्र तरुण के लिए जानना चाहती हैं। छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, उसका है 25/1995 जी। और मैं पूछना चाहती हूँ, वो अपने करियर में सरकारी सर्विस कब लगेगी? उसकी लग जाएगी 24 बरस में। वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और काफी अच्छी नौकरी पे जाएगा। मतलब आप सोचिए, 2017 में अगर कोई इम्तिहान देता है तो वो पास आउट कर जाएगा और 18 बिगनिक तक लग जाएगी जी। निर्मला जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव जी हैं भरतपुर से। राजीव जी, आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। उनकी 27/2/1972 है। ठीक है, सवाल कीजिए राजीव जी अपना। मैं जानना चाहता हूँ इनकी सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी।
नहीं, सर्विस तो नहीं लगेगी इनको, तो अपना काम करना चाहिए, सर्विस में तो नहीं टिक पाएंगे ये, और अपना काम करना चाहिए लोहा और प्लास्टिक से रिलेटेड। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार जो होता है कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए और या फिर मैं कहूँ स्टैब्लिश करने के लिए कितनी जरूरी प्रक्रिया है? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही सुंदर उसका जवाब है कि सूर्य नमस्कार की जो पांच प्रक्रिया होती है ना, वो सारा हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चीज़ों पे कंट्रोल रखती हैं। तो जो चौथा और आठवां एक्सरसाइज होता है वो अश्व घोड़े की तरह आगे करना, वो आपकी एकाग्रता को बहुत बढ़ाता है। भुजंगासन आपकी पीठ को ठीक रखता है, तो उसके मतलब हैं। और पहला तो आप सूर्य को नमस्कार करते हैं तो आप सोचिए जीवनदायी एनर्जी आप अपने में ग्रहण कर रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार से एकाग्रता भी बढ़ेगी, इंटेलेक्ट भी साफ होगी, फिजिकली भी आप फिट होंगे और आप अपना यश वृद्धि भी कर सकते हैं। इतनी सुंदर चीज है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विष्णु जी हैं हनुमानगढ़ से। विष्णु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। संदीप है भाई मेरा, उसका जन्म डेट है 16/7/89। जी अपना सवाल कीजिए विष्णु जी। उसके काम के बारे में पूछना चाहता था मैं, काम नहीं चल रहा उसका। किस चीज का काम करते हैं वो? वो फोटो स्टूडियो करते हैं। अच्छा, वैसे टाइप ऑफ वर्क तो उसको मुझे लगता है ठीक सूट करता है, थोड़े दिन में चल पड़ेगा, लेकिन जब तक चले उसके उपाय बता देती हूँ। सूजी हलवा और काला चना शनिवार मंगलवार को गरीबों को देंगे तो चल पड़ेगा, ठीक है, चलेगा उसका स्टूडियो। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक जयपुर से भी हमारे साथ जुड़ी हैं, शोभा जी हैं, जो कि अपने पुत्र हर्ष के लिए जानना चाहती हैं। शोभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हर्ष की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 15 मार्च 1988। जी सवाल कीजिए शोभा जी अपना। उसने लॉ कर रखा है, उसका कैसा जॉब में रहेगा या लॉ वकालत करेगा? अभी तो जॉब में ही रहेगा, 4-1 साल 2019 के बाद वो प्रैक्टिस पे आएगा। जी निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार देखा गया है लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बातचीत करना भी स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनका कंसंट्रेशन का लेवल पता चलेगा कि जो व्यक्ति बात कर रहा है उस पर कितना ध्यान है उनका, तो ये कितना ठीक तरीका है और या फिर ये बड़ा अजीब तरीका माना जाएगा? नहीं, बातचीत से तो देखिए समझ बढ़ सकती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं और सॉर्टेड आउट करना चाहते हैं तो ठीक है, चर्चा से समझ बढ़ती है और आप उससे रिलेटेड ज्ञानी लोगों से डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे, लेकिन एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। एकाग्रता के लिए तो आपको अपने गोल पे फोकस होकर पढ़ना या लिखना या खेलना जो भी चाहिए वो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो वो तो अभ्यास से और अपनी चीज पे अपने गोल को टारगेट करके और उसी पे काम करने से होगा। पर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसके लिए तो फिर चर्चा जरूरी है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी हैं सिरोही से। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। रेखा जी अपना सवाल कीजिए। लगता है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं निर्मला जी, प्रेम है अलवर से, जो कि अपने पुत्र गौरव के बारे में जानना चाहती हैं। प्रेम जी गौरव की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 15/15/89। ठीक है जी, अपना सवाल कीजिए प्रेम जी। उनकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी? सरकारी जॉब जी थोड़ा सा डाउटफुल है, आप पीला फल दान करिए थर्सडे को, अगर लगनी होगी तो नेक्स्ट ईयर 2017 में ही लग जाएगी, और 17 में नहीं लगी तो आप टाइम वेस्ट नहीं कराइए उसको, मुझे लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। निर्मला जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से एक बार मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।